हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ते हैं मेंस में, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। लेकिन आप प्री में उसको शायद मिस कर जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है दोस्तों, क्विकली देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं और क्या क्या इसके इंप्लीकेशंस। दोस्तों, उसके पहले 88 डेज के हमारे क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी। 88 डेज में 250 घंटों के अंदर हम चाहते हैं आपको हम मेंस की टिकट दिलाएं। इसको एनरोल करने का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको बात जाननी जरूरी है, अगर हम देश की अपनी बात करें, बहुत सारी आबादी रहती है गांव में, रूरल एरियाज में, जहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कब हो सकता है, जब हमारे पास होगा लैंड। तो लैंड की ओनरशिप को लेकर अगर हम चाहते हैं रिफॉर्म करना, तो उसको लैंड रिफॉर्म कहा गया था, क्योंकि बहुत सी जो जमीन थी वो जमींदारों के पास थी, बहुत से किसान थे वो अब खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जमीन उनके पास बिल्कुल नहीं थी, या तो किराएदार थे, किराएदार भी कभी भी उनको हटाया जा सकता था, तो टेनेंसी उस पर भी रिफॉर्म किया गया। एंड जो जमीन अगर लोगों को बांटी, जो अगर हमने बहुत सारे जमींदारों से जमीन लेकर हमने अगर बाकी किसानों में बांट दी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, अच्छे से अच्छा वहां पर आउटपुट निकाला जाए, तो लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, ओनरशिप एंड टेनेंसी को लेकर रिफॉर्म, मैनेजमेंट को लेकर रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म कहलाए। देन उसके तीन इंपॉर्टेंट थे कि रीस्ट्रक्चर करना, कि जो हमारे अगर जो एग्रीकल्चरल रिलेशन में देखें कि थोड़ा इगालिटेरियन, थोड़ा इक्वालिटी आए। देन लैंड रिलेशन में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको एलिमिनेट करना, लैंड टू द टिलर, जो सच में वहां पर जो किसान जो वहां पे काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उसको लैंड मिले, जमींदार को जो लैंड उनसे लेकर किसान को दी जाए। इंप्रूवमेंट करने की, ताकि हमारे जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोगों के पास लैंड आएगी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगी जिंदगी में। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एंड लैंड के आसपास ही डेवलपमेंट को फोकस रखना, रूरल एरियाज में इक्वालिटी लेकर आना गांव के लेवल पर। ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे किया गया, जो जमींदारी सिस्टम था, इंटरमीडियरीज का सिस्टम, उसको एबॉलिश किया गया। टेनेंसी, जो अगर आप किराएदार हैं तो आपको सिक्योरिटी मिली, एंड आपको जो रेगुलेशन थी रेंट की, अभी ऐसा नहीं होगा कभी भी रेंट बढ़ा दिया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम चलेगा, एंड बहुत सारे जो टेनेंट्स को ओनरशिप भी मिली। देन ऐसा था कि लैंड कितनी रख सकते हैं आप, कितनी लैंड के ऊपर आपको लैंड सरकार ले लेगी आपसे, तो उस पर एक सीलिंग, एक लिमिट लगाई गई लैंड होल्डिंग पर, एंड कंसोलिडेट किया गया बहुत सारी होल्डिंग्स को। लेट्स से अगर मुझे जमीन मिली, मुझे छोटा टुकड़ा मिला, आपको छोटा मिल गया, इसको कंसोलिडेट करके अगर हम बहुत से अगर हम छोटे छोटे किसान मिलकर अगर हम बड़ा एक पीस ऑफ लैंड बना लें, उसको हम उस पे काम करें, तो हमें सस्ता फर्टिलाइजर मिल सकता है, ट्रैक्टर की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लैंड कंसोलिडेशन पर काम किया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स भी थे। बहुत सारी जगहों पर पर्सनल कल्टीवेशन के लिए आपको जो जमीन रखने के लिए मिल गई, उस पर आपकी कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था। तो ये बहुत ही लूजली डिफाइंड था, और कोई ऐसी लिमिट भी नहीं रखी गई कि आप अगर अपने लिए पर्सनल फार्म्स के लिए अगर जमीन रखते हैं, एंड देन उसके बाद शेयर क्रॉपर्स, जो आगे फर्दर से फर्दर जैसे होता है कि आगे सब लेटिंग की होती है बहुत बार किसानों ने अपनी जमीन की, शेयर क्रॉपर्स उसमें काम करते हैं, जो फसल उगाते हैं एंड कुछ हिस्सा ले लेते हैं, और उनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं रहता, तो उसके बारे में कोई बात नहीं की। बहुत सा देश हमारा शेयर क्रॉपर करता, शेयर क्रॉपिंग करता है। एंड देन उसके बाद अगर लैंड होल्डर, अगर हम देखें इंडिविजुअल लेवल को यूनिट बनाया गया कि कितनी मैक्सिमम आप जमीन रख सकते हैं, लेकिन बाद में 1972 में फैमिली को यूनिट बना दिया कि एक एक परिवार में इससे ऊपर जमीन नहीं हो सकती, क्योंकि आप अगर यूनिट अगर इंडिविजुअल को बना रहे थे, तो एक परिवार में ही बहुत सारी जमीन डिवाइड हो गई, उन्हीं के पास ही वो जमीन रही, बाहर किसी के पास गई नहीं। एंड देन वहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक जो प्रॉब्लम, बेनामी प्रॉपर्टीज का। बेनामी मतलब मैंने अपने जो परिवार से बाहर, लेट्स से मेरे जो यहां पर कोई काम करते होंगे, डोमेस्टिक लेबर होगा मेरे पास, उनके नाम मैंने जमीन ट्रांसफर कर दी, लेकिन पता है कि ओनर तो मैं ही हूं, तो इसलिए बेनामी, चाहे उनके नाम पर है प्रॉपर्टी, लेकिन जो राइट ओनर तो मैं ही हूं, जो मुझे, क्योंकि मेरे पास पावर है एंड आई ओन द लैंड अकॉर्डिंगली, तो उसका भी यहां पर जन्म होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रही लैंड रिफॉर्म्स के साथ। ग्रेजुअली इस पर और डिस्कशन भी चलती है, हमारे जो एक पूरा वीडियो भी है इकोनॉमी के जो मेंस मेंटरशिप बैच में, आप उसको देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आपको मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।